हिमाचल में पंजाबी जोड़े के साथ हुई मारपीट मामले में हिमाचल के एडीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है। और हुई है जो नूरपुर में है, उस पर भी सोशल मीडिया में काफी बातचीत की जा रही है। ये प्रेस नोट हम आपको, इसके बारे में प्रेस नोट दिया गया और ये प्रेस नोट भी आपको हम दे रहे हैं। नूरपुर में डमटाल थाने के अंतर्गत ये घटना हुई, जहां पर एक होटल में कुछ लोग रात में कमरा लेने के लिए आए थे और कमरा नहीं मिलने पर उन लोगों को, मतलब जो नाराजगी हुई, वो जाकर बाहर उन्होंने लगभग कुछ एक गाड़ियां खड़ी थी पर्यटकों की, जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की गाड़ी थी, इस तरह सारी गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े। और बाद में वो लोग दीनानगर पठानकोट के रहने वाले, जो हमें जांच में पता लगा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, कुछ एक की शिनाख्त हो भी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कई लोगों ने इसको कई अन्य बातों से जोड़ने का कोशिश किया और उसमें कुछ प्रदेश पे भी बातें उठाई गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जैसे देखा, इसमें भी जो टूरिस्ट थे और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से भी अनेकों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और हम उन सब का स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम हिमाचल पुलिस महानिदेशक की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में एकदम उचित और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिला वजह कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी जगह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ की पुलिस पूरी तरह अनुशासनबद्ध है और हम हर पर्यटक का प्रदेश में स्वागत करते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और तत्पर हैं। धन्यवाद। और हुई है जो नूरपुर में है, उस पर भी सोशल मीडिया में काफी बातचीत की जा रही है। ये प्रेस नोट हम आपको, इसके बारे में प्रेस नोट दिया गया और ये प्रेस नोट भी आपको हम दे रहे हैं। नूरपुर में डमटाल थाने के अंतर्गत ये घटना हुई, जहां पर एक होटल में कुछ लोग रात में कमरा लेने के लिए आए थे और कमरा नहीं मिलने पर उन लोगों को, मतलब जो नाराजगी हुई, वो जाकर बाहर उन्होंने लगभग कुछ एक गाड़ियां खड़ी थी पर्यटकों की, जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की गाड़ी थी, इस तरह सारी गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े। और बाद में वो लोग दीनानगर पठानकोट के रहने वाले, जो हमें जांच में पता लगा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, कुछ एक की शिनाख्त हो भी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कई लोगों ने इसको कई अन्य बातों से जोड़ने का कोशिश किया और उसमें कुछ प्रदेश पे भी बातें उठाई गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जैसे देखा, इसमें भी जो टूरिस्ट थे और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से भी अनेकों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और हम उन सब का स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम हिमाचल पुलिस महानिदेशक की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में एकदम उचित और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिला वजह कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी जगह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ की पुलिस पूरी तरह अनुशासनबद्ध है और हम हर पर्यटक का प्रदेश में स्वागत करते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और तत्पर हैं। धन्यवाद। हिमाचल में पंजाबी जोड़े के साथ हुई मारपीट मामले में हिमाचल के एडीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है। और हुई है जो नूरपुर में है, उस पर भी सोशल मीडिया में काफी बातचीत की जा रही है। ये प्रेस नोट हम आपको, इसके बारे में प्रेस नोट दिया गया और ये प्रेस नोट भी आपको हम दे रहे हैं। नूरपुर में डमटाल थाने के अंतर्गत ये घटना हुई, जहां पर एक होटल में कुछ लोग रात में कमरा लेने के लिए आए थे और कमरा नहीं मिलने पर उन लोगों को, मतलब जो नाराजगी हुई, वो जाकर बाहर उन्होंने लगभग कुछ एक गाड़ियां खड़ी थी पर्यटकों की, जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की गाड़ी थी, इस तरह सारी गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े। और बाद में वो लोग दीनानगर पठानकोट के रहने वाले, जो हमें जांच में पता लगा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, कुछ एक की शिनाख्त हो भी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कई लोगों ने इसको कई अन्य बातों से जोड़ने का कोशिश किया और उसमें कुछ प्रदेश पे भी बातें उठाई गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जैसे देखा, इसमें भी जो टूरिस्ट थे और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से भी अनेकों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और हम उन सब का स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम हिमाचल पुलिस महानिदेशक की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में एकदम उचित और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिला वजह कुछ लोग
सोशल मीडिया पर अन्य जगह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ की पुलिस पूरी तरह अनुशासनबद्ध है और हम हर पर्यटक का प्रदेश में स्वागत करते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तत्पर है। धन्यवाद। और हुई है जो नूरपुर में है उस पर भी सोशल मीडिया में काफी बातचीत की जा रही है। ये प्रेस नोट हम आपको, इसके बारे में प्रेस नोट दिया गया और ये प्रेस नोट भी आपको हम दे रहे हैं। नूरपुर में डमटाल थाने के अंतर्गत ये घटना हुई, जहां पर एक होटल में कुछ लोग रात में कमरा लेने के लिए आए थे और कमरा नहीं मिलने पर उन लोगों को, मतलब जो नाराजगी हुई, वो जाकर बाहर उन्होंने लगभग कुछ एक गाड़ियां खड़ी थी पर्यटकों की, जिसमें हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, राजस्थान नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की गाड़ी थी, इस तरह सारी गाड़ियों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़े। और बाद में वो लोग दीनानगर पठानकोट के रहने वाले, जो हमें जांच में पता लगा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, कुछ एक की शिनाख्त हो भी गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कई लोगों ने इसको कई अन्य बातों से जोड़ने का कोशिश किया और उसमें कुछ प्रदेश पे भी बातें उठाई गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जैसे देखा, इसमें भी जो टूरिस्ट थे और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पूरे देश से, विदेश से भी अनेकों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और हम उन सब का स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम हिमाचल पुलिस महानिदेशक की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि हर मामले में एकदम उचित और पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को बिला वजह कुछ लोग सोशल मीडिया पर अन्य जगह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ की पुलिस पूरी तरह अनुशासनबद्ध है और हम हर पर्यटक का प्रदेश में स्वागत करते हैं और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तत्पर है। धन्यवाद।